हेलो स्टूडेंट्स, तो हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे रैशनल नंबर्स, और उसमें जो सब टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, आज हम वो देखने वाले हैं। तो हम आज पहली प्रॉपर्टी देखेंगे जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है हम ये समझेंगे। आपने सिक्स स्टैंडर्ड में, सेवन्थ स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टीज तो पढ़ी होगी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इन प्रॉपर्टीज में क्या होता है हम आज ये पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के लिए। तो मैं आपको पहले इन प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता हूँ इन प्रॉपर्टीज में क्या होता है। तो हम हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में लिख दिया है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हेन वी अप्लाई ऑपरेशंस ऑन टू नंबर्स इफ द रिजल्ट रिमेन्स सेम इन सेम सेट, अगर वो रिजल्ट सेम सेट में रहता है देन सेट ऑफ नंबर इज क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन। इसका मतलब है हम किसी नंबर पे अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो जब हम उसका सम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो सेम सेट में होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको एक बार दे देता हूं। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये एक एग्जांपल है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, ए और बी का सम सी है। तो इफ ये होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका सम होल नंबर ही आता है। एज एग्जांपल हम ऐड करेंगे 1 + 5 इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे 1, 5, 6 ये तीनों होल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि जब हम किन्हीं भी नंबर्स को ऐड करते हैं होल नंबर्स को तो हमें उसका सम होल ही मिलता है। सिमिलरली अगर हम किन्हीं इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उसका सम हमें इंटीजर ही मिलेगा। एज एग्जांपल ये देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, तो इसका सम क्या होगा, वो भी एक रैशनल इंटीजर ही होगा, क्योंकि -3 और 2 ये भी इंटीजर्स हैं। तो इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा -1, तो ये भी एक इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है। तो अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए देखेंगे, क्लोजर फॉर रैशनल नंबर। तो अब हम देखते हैं क्लोजर फॉर रैशनल नंबर में क्या होता है। तो क्लोजर फॉर रैशनल नंबर में होगा, व्हेन वी ऐड टू रैशनल नंबर्स वी गेट द रिजल्ट इज अ रैशनल नंबर। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, अगर हम किसी रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो उसका रैशनल ही आता है या नहीं। तो देखिए, 4/5 इज अ रैशनल नंबर, प्लस -3/7 इज अ रैशनल नंबर। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अब ये देखना है हमें। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमें मिलेगा 13/35। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 7 × 3 = 7, 5 = 35, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 13/35। तो 13/35 भी एक रैशनल नंबर ही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए अप्लाई होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एडिशन। एडिशन के लिए वैलिड होती है।
तो अब हम इसको सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। माइनस सेवन अपॉन नाइन माइनस टू अपॉन नाइन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, देखिए यहां पे एलसीएम तो यहां का नाइन आ जाएगा, और उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, तो स्टूडेंट्स ऊपर माइनस नाइन आ जाएगा। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन। सो माइनस वन इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम, आगे क्या पॉइंट है। तो हम इसे एक बार अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप भी इसे नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहां पे इसकी डेफिनेशन लिख दिया, आप इसी तरीके से इसे डिफाइन कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। इफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर एनी टू रैशनल नंबर्स, देन ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, यहां पे बस माइनस साइन आ जाएगा। आई होप आप उसको लिख लेंगे अपने नोटबुक में। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, हमें क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिए वेरीफाई करनी है। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स सॉरी टू रैशनल नंबर्स देन वी गेट अ रैशनल नंबर। हमें चेक करना है अगर रैशनल नंबर मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखिए ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आप एक बार अपनी नोटबुक में पॉज करके चेक कर लीजिए, मैं तब तक यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/25। तो 6/25 एक रैशनल नंबर है। हाँ तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिए वेरीफाई हो गई है। तो इसे हम लिख देंगे, इसे हम एक साथ लिख लेंगे। डिवीजन के लिए भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्लोजर फॉर डिवीजन। सो स्टूडेंट्स डिवीजन के लिए क्या होगा, हम दो रैशनल नंबर ले लेते हैं। रैशनल नंबर है -3/5 इज अ रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय -3/10। तो डिवीजन में क्या होता है, ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, आप भी एक बार इसे सॉल्व कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से होगा इसका डिवीजन, तो हमें आंसर मिलेगा ये। तो जब हम 30 को 15 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 हो जाएगा। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए भी वेरीफाई हो गई है। तो मैं यहां पे नीचे डेफिनेशन लिख देता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहां पे नीचे इसकी डेफिनेशन लिख दी है, ये है मल्टीप्लीकेशन के लिए और यह है डिवीजन के लिए। तो आप भी इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये डिवीजन के लिए, वीडियो पॉज करके आप भी इसे नोट डाउन कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस के लिए वेरीफाई कर ली है। सो स्टूडेंट्स हमने क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी वेरीफाई कर ली है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर ली है, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी हो गई है और डिवीजन के लिए भी हो गई है। एडिशन में होल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, उसके बाद इंटीजर्स भी और रैशनल नंबर्स भी। इसके बाद यहाँ पे भी, यहाँ पे रैशनल नंबर्स के लिए ही वेरीफाई होती है ये प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन में ये प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए होती है वेरीफाई, उसके बाद इंटीजर्स के लिए भी होती है और रैशनल नंबर्स के लिए भी होती है। एंड डिवीजन में खाली रैशनल नंबर्स के लिए ही वेरीफाई होती है ये प्रॉपर्टी। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।